वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं कोमोरी स्लिप्स, जिसे पफ स्लिप्स भी कहते हैं, वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। इस स्लिप्स की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है तथा चौड़ाई आप अपने अनुसार रख सकती हैं। जो नॉर्मल स्लिप्स की चौड़ाई होती है उसे आप 4 इंच ज़्यादा लीजिए। उसके बाद एक सीधी रेखा ड्रॉ कीजिए और 4 इंच के बाद आपका जितना भी आर्म होल का शेप है, जिसमें किसी का 7, 8 या 9, मेरा 9 इंच है तो मैं 9 इंच पर रखी हूँ। 9 इंच पर छोड़ के उसके बाद मैंने आगे से 4 इंच का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लिया है उस पर मैं एक सीधी रेखा ड्रॉ करूँगी। उसके बाद जैसे नॉर्मल स्लिप्स आप कटिंग करती हैं, किनारे से आप 3.5 इंच पे डाउन कीजिए और आगे से 3 इंच का मार्जिन लेते हुए और जो 3 इंच और 3.5 इंच है वहाँ पे आप एक रेखा ड्रॉ कीजिए। जो स्लिप्स की नॉर्मल रेखा होती है वैसे आप ड्रॉ कीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे नॉर्मल स्लिप्स की मार्किंग हम लोग करते हैं, आप उस तरह से नॉर्मल मार्किंग आप कीजिए। उसके बाद इतना मार्किंग होने के बाद आप इस स्लिप्स को कट कर लीजिए। ये स्लिप्स की अब हमारी मार्किंग पूरी हुई। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हमने जो 4 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसमें हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और लंबाई में 5 इंच का निशान लगा के एक रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स बनाएंगे तथा उस रेक्टेंगल शेप का जो बॉक्स है उसमें लंबाई में हम सिर्फ 2 बार मजबूती से हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद हम इस कपड़े को सीधा करके हम वहाँ से स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके हम स्टिच भी कर सकते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक जहाँ हम लोग स्टिच किए हैं उसे हम कट भी कर सकते हैं। आप दोनों ही वे अपना सकती हैं, या तो आप इस फैब्रिक को कट कर लीजिए या इसी तरह से आप स्टिच कर लीजिए। आपको जो भी वे आसान लगे वो आप कर सकती हैं, या फिर इस फैब्रिक को आप कट कर लीजिए या स्ट्रेच कर लीजिए। स्ट्रेच होने के बाद जो स्लीव्स है उसको हम पहले बीच में हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद जो दोनों साइड से हम जो 4 इंच का जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए थे वहाँ पे हम उसमें छोटे छोटे फ्रिल्स लगाएंगे। फ्रिल्स जो है, फ्रिल्स लगाते समय आप ध्यान दीजिए कि फ्रिल्स दोनों साइड की जो फ्रिल्स है वो एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। मेरे फ्रिल्स कंप्लीट हो गए। अब हम नीचे में इसमें रेडीमेड जो पाइपिंग आती है वो हम रेड कलर की पाइपिंग लगा रहे हैं, जिससे ब्लाउज़ की सुंदरता थोड़ी और बढ़ जाए। पाइपिंग लगाने के बाद हमने 5 इंच की जो है वो मैंने अस्तर का कपड़ा कट किया है, जो मैंने सीधे तरफ से लगाने के बाद उसे अपोजिट साइड में मैं फ़ोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद उसमें मैं स्टिच कर दूँगी।
तो फ्रेंड्स लीजिए, आपकी जो कोमड़ी या पफ स्लिप्स भी जिसे आप कर सकते हैं वो लगभग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें जो जितना एक्स्ट्रा उसका मतलब स्लिप्स का जो मार्किंग है उसे करके आप फिटिंग कर लीजिए, और थोड़े से और जो हाफ इंच का जो एक साइड से जो एक्स्ट्रा हम लोग कट करते हैं वो मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद जो वहाँ पे बीच में जो स्टिच है वो उसमें हम मोती लगाएंगे, जिससे कि मोती से ब्लाउज़ की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरे पफ स्लीव्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर दबाइए, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।